गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आपके चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स। हमारे जितने भी यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज़, सो दैट वी कैन सर्व यू मोर बेटर इन फ्यूचर। स्टार्टिंग विद द टुडेज़ कॉन्सेप्ट, दैट इज यूनरी ऑपरेटर्स इन सी। इन फैक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी। फ्रेंड्स, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट टर्म यूनरी एंड अनदर टर्म इज अरिथमेटिक। वेयर हमें ये पता है, लास्ट वीडियोज में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यूनरी ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन अ सिंगल वेरिएबल और ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ये किसी एक वेरिएबल के ऊपर ही काम करते हैं। वेयर एल्स हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो हमारे अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। सो आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे एंड लेटर ऑन वी विल डू अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फॉर द सेम। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स। हमारे यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, दैट इज यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। वी हैव डिस्कस्ड दैट दीज आर सेम एज ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ओनली द सिंटेक्स और द वे ऑफ राइटिंग चेंजेस। मतलब ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरीके से ही काम करते हैं, बस जो इनको लिखने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा, ए प्लस बी, आई हैव रिटन इट एज ए प्लस इक्वल्स टू बी, ओनली दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा प्लस ऑपरेटर दो वेरिएबल्स या दो ऑपरेंड्स के बीच में, दैट इज ए एंड बी। वेयर एल्स यहाँ पर ओनली ए के साथ लगा हुआ है, दिस इज माई यूनरी ऑपरेटर, बिकॉज हेयर इट इज विद अ सिंगल वेरिएबल एंड हेयर इट इज विद टू वेरिएबल, इट इज फंक्शनिंग ऑन टू वेरिएबल। तो यही यहाँ पे हो जाएगा मेरा बाइनरी ऑपरेटर। सो स्टार्टिंग विद यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज यूनरी एडिशन। यूनरी एडिशन की जब हम बात करते हैं तो यूनरी मीन्स सिंगल वेरिएबल एंड एडिशन मीन्स टू एड। ये क्या करता है, ये मेरी एडिशन को परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म्स द एडिशन ऑपरेशन ऑन माई वेरिएबल। कैसे, ये ऐड करता है असाइन वैल्यू को टू द करंट वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड, ऑपरेंड की करंट वैल्यू में ये उस असाइन वैल्यू को ऐड करता है। द सिंटेक्स ऑफ राइटिंग, इट इज ए प्लस का साइन, दैट इज प्लस एडिशन ऑपरेटर इज असाइंड द वैल्यू टू बी एडेड। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो मेरा वेरिएबल है, देन आई हैव ऑपरेटर विच इज़ टू बी फंक्शनिंग, देन आई हैव असाइंड सर्टेन वैल्यू जो उसमें ऐड होगी। एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल मैंने ए को वैल्यू असाइन की है 10 एंड देन आई हैव रिटर्न ए माई एडिशनल ऑपरेटर एंड असाइंड द वैल्यू ऑफ 5। एज अ रिजल्ट इट विल बी गिविंग मी ए इक्वल्स टू 10 प्लस 5, दैट इज 15। सो दिस इज माई एडिशन ऑपरेटर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, दैट इज यूनरी सब्सट्रैक्शन। जैसे मेरे एडिशनल ऑपरेटर ने एडिशन का काम किया था, इन द सेम वे मेरा यूनरी सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन का काम करेगा। मीन्स ये क्या करेगा, इट विल जनरेट द डिफरेंस ऑफ द वेरिएबल्स एंड द असाइन नंबर। जिस वेरिएबल पे मैंने ये नंबर असाइन किया है, ये ऑपरेटर लगाया है, और जो नंबर मैंने उसको असाइन किया है, ये उनका डिफरेंस मुझे निकाल कर देगा। सिंटेक्स इज एज सिंपल, वेरिएबल देन सब्सट्रैक्शन साइन और माइनस साइन एंड इट इज़ असाइंड अ वैल्यू, जो वैल्यू मुझे उस वेरिएबल में से सब्सट्रैक्ट करनी है, उसमें से डिफ्रेंशिएट करनी है।
एग्जाम्पल अगेन, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए, मैंने इसको वैल्यू दी है 10. नाउ व्हाट आई हैव गिवन इज आई हैव रिटन ए माइनस इक्वल्स टू 5. ए माइनस इक्वल्स टू 5. What it is going to do is, it will subtract the number 5 from my value of variable, means it will give me, it is going to give me the value of 10 minus 5. It is going to give me the value of 10 minus 5, that is 5. Now moving towards next, that is my multiplication operator. In the same way, जैसे हमने addition को perform किया, जैसे हमने subtraction को perform किया, उसी तरीके से काम करता है मेरा addition operator. What it does is, it performs multiplication operation. Yeah. मल्टीप्लाई करता है, मीन्स इट्स फंक्शन इज इट जनरेट्स द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल एंड द असाइन नंबर. सिंबल हमें पता है, द सिंबल विच वी यूज टू रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन इज एब्स्ट्रैक्ट. सो व्हाट वी हैव डन, मैंने एक इंटीजर असाइन किया ए, जिसमें वैल्यू दी 10, एंड आई हैव रिटन ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5. सो इट विल गिव मी अ रिजल्ट, इट विल मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ ए with the assigned number, that is 10 into 5, और ये मुझे result generate करेगा 50. So this was my unary multiplication एक single variable के साथ. मैंने अपना multiplication operation लगाया और उसे कुछ value assign की. So it has multiplied the number with my assigned number and the result is generated. Moving towards the next type, that is unary division. The easiest concept to learn division is कि जब भी हम division करते हैं, हमारे पास possibilities हैं, दो results आएं. First is we can get the question and second one is we can get the remainder. तो इन दोनों चीज़ों को पाने के लिए either I have to get question or either I need to have remainder. I have to perform division operation. Only the syntax changes, that is to generate the quotient, एक quotient को generate करने के लिए what I will give, I will use the syntax a, then the division operator equals to the value जिससे मुझे उस number को divide करना है. ये क्या करेगा, it will divide the variable's value with the assigned number. ये इस value को इस assigned number से divide करेगा और quotient as a result मुझे दे देगा. जब मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ, देन द क्वेश्चन आई गेट इज 2. सो व्हाट इट हैज गिवन, मैंने ए को डिक्लेयर किया, ए में वैल्यू डाली 10, एंड नाउ व्हाट आई हैव गिवन ए, देन द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑपरेटर एंड इज असाइंड वैल्यू 5. सो इट हैज डिवाइडेड द वैल्यू विद 5 एंड गिवन मी द क्वेश्चन ऑफ द टू नंबर्स. इन द सिमिलर वे, अगर मुझे पता लगाना है कि मेरा रिमाइंडर क्या होगा, it is quite simple, only a little syntax changes. मैंने क्या किया, a percentage by equals to value, means a को मैंने assign किया 10, then I have used percentage operator and assigned it a value 5. So it will divide the number 10 by 5 और मुझे उसका remainder value लाकर दे देगा, that is 0. So this was all about the working of unary arithmetic operators, जिसमें we have discussed unary addition, unary subtraction, unary multiplication and unary division. Then division में हमने फिर से दो parts लिए, that is question निकालने के लिए अलग part और remainder निकालने के लिए अलग part. So this was the concept of unary arithmetic operators. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ डू नॉट सब्सक्राइब टू लाइक कमेंट एंड शेयर. कमेंट्स ज़रूर करें. अपनी इस प्रेजेंटेशन का लिंक एंड अपनी प्रीवियस प्लेलिस्ट का लिंक वी आर गिविंग यू इन डिस्क्रिप्शन, सो दैट यू कैन सी दैम एंड डाउनलोड दैम इफ रिक्वायर्ड्स.
Thanks for watching the video. And now what we are going to do is we are going to see the practical implementations of the concept ताकि ये concepts हमें और clear हो जाएं. So moving towards the practical. So friends, starting with the concept, practical implementation, मैंने अपनी head of foils call कर दी है, मैंने main function declare कर दिया है. अब main में I am going to write integer x और let's say x को मैंने value assign की है 10. Now what I am going to do is मैं x की value को print करवाऊंगा, printf slash n percentage d is value of x comma x की value को मैंने यहाँ पर print करवाया. This is before addition मैंने x की value को print करवाया. अब मैं इस पे unary addition implement करता हूँ. So the value of x is, मैंने इसमें plus 5 किया. And now I am going to again print its value. मैं फिर से इसकी value print करूँगा, control plus c, control plus v. And this time this value will be after addition के बाद वाली value यहाँ पर print होगी. And now what I am going to do is I am going to check whether the program is running correct or not. Let's see output, हमारे पास desired result आता है या नहीं. So execute, compile and run. Let's see, and here is the result. First मैंने x में value assign की 10, so it has printed that 10 is the value of x. After that I have given x plus equals to 5, that is it has added the value 5 to the current value 10, and it has given me the result that the value of x is 15. So unary addition has been performed over here. Then if I talk about unary subtraction, the only difference will be plus ki jaga minus ka sign, and it will subtract this value 5 from the original value of x, that is 10, and the result will be as follow, that the value of x is 5. Now here we can compare our both the results. Jab maine unary addition perform kiya, then it has shown me that the result is 15. It has added the value 5. When I am performing unary subtraction operator, isne wo value 10 mein se minus ki, and it has shown me that the result is 5. Now moving towards next unary operator, multiplication operator. इसने क्या किया? It will multiply this value 5 with the value of i, and the result will be shown as here. It has shown us the result that the value of x is 10. और जब मैंने उसमें unary addition perform किया, then it has changed its value to 50. उसने वो part, वो number इसमें से मल्टीप्लाई किया है. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा डिवीजन ऑपरेटर में, इफ आई हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन, देन अगेन इट विल बी वर्किंग इन द सेम मैनर. आई विल कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इट, एंड द रिजल्ट विल बी जनरेटेड एज फॉलो, दैट 2 इज द वैल्यू ऑफ एक्स. इन दिस केस व्हाट इट हैज डन, इट हैज टेकन द नंबर एक्स, डिवाइडेड इट बाय 5, एंड रिटर्न मी द क्वेश्चन, दैट इज 2. So it has given me the quotient that when I will divide 10 by 5, I will get the quotient as 2. Moving towards the last type of arithmetic operators, that is our remainder operator. Let's see the result of the remainder operator now. Look, it has given us the value of x is 0, because when I am going to divide 10 by 5, remainder will be 0 and the quotient will be 2. So is tarike se friends humne dekha hamare sare operators ka result, starting with unary addition to unary multiplication and then unary division. So this is how our unary operators works.
यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क्स। सो आई होप हमारा आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। सो अगेन आई वुड से दैट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आवर वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनदर टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग आवर चैनल। थैंक यू।